आलू की मसाला पूरी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मैदा लिया है, 200 ग्राम आलू लिए और इनको बॉइल कर लिया है और ग्रेट कर लिया। मसालों में लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच अजवाइन ली है, आधा छोटा बाउल हरा धनिया लिया है, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम मैदे में आलू डालेंगे, इसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अजवाइन को क्रश कर डालेंगे, थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लेंगे, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे में। अब हम 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेंगे। आटा थोड़ा सख्त गूंधेंगे। हमारा आटा गूंध चुका है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे कवर करकर। हमारे आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार आटे को दोबारा से और चिकना कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल ले लेंगे हाथ का और इसको हमारा आटा अच्छे से चिकना हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, छोटे छोटे नींबू के साइज के पेड़े तोड़ लेंगे। हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। अब इसको हम चकले बेलन पे बेल लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से, किनारों की साइड से बेलेंगे हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से सारी पूरी बेल कर तैयार कर लेंगे। आप साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारी पूरी बेल चुकी है, इसी तरह हम सारी पूरी बेल कर तैयार कर लेंगे। हमने पूरियों को बेल लिया है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था, तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, पूरी के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब एक एक करके हम अपनी पूरी फ्राई कर लेंगे। हल्का सा दबाते हुए फ्राई करेंगे, इससे हमारी पूरी चारों तरफ से अच्छे से सिकेगी। हमारी पूरी अच्छी फूलनी शुरू हो चुकी है और यह सिक भी चुकी है। इसी तरह हम सारी पूरी फ्राई कर लेंगे। एक एक कर कर ड्रॉप करते जाएंगे और सेकते जाएंगे। हमारी सब पूरी फ्राई हो चुकी है, ये सर्व करने के लिए रेडी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।